हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम बीहाइव्स, नाइन्थ क्लास. इन दिस लेक्चर वी बिगिन द फन दे हैड बाय इशाक आसिमो. देखिए, फन दे हैड एक अम्यूजिंग चैप्टर है. टुडे ड्यू टू द COVID-19 लॉकडाउन वी हैव टू स्टडी थ्रू ई लर्निंग लाइक WhatsApp group, YouTube channels and other NCERT medium like Diksha app, like Beauty or अदर सोर्सेज. द फंदे हैड भी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन के माध्यम से बच्चों को पढ़ते हुए दिखाया गया है. आज की सिनेरियो में ये लेसन बहुत कुछ मेल खाता है. आइए जानिए कि स्टोरी में किस टाइप से क्या क्या इवेंट्स, क्या सीन प्रदर्शित किए गए हैं. लेट्स सी. बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. The story we shall read is set in the future. जो कहानी हम पढ़ेंगे वो कहानी फ्यूचर में सेट की हुई है. फ्यूचर के बारे में है, भविष्य में क्या होता है. देखिए, when books and schools as we know them will perhaps not exist. जब पुस्तकें और स्कूल्स, जैसा कि हम जानते हैं, अब हमें पता चला है उनके बारे में कि वो शायद भविष्य में एग्जिस्ट नहीं होंगे. आज COVID-19 के लॉकडाउन की वजह से कुछ ऐसा मिलता जुलता सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, बच्चे तब कैसे पढ़ पाएंगे. ये द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज. नीचे दिया गया डायग्राम आपको कुछ आइडियाज दे सकता है. तो देखिए, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के स्कूल कैसे. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यहाँ पे ये बच्चा दिखाया गया है. कंप्यूटर के सामने माउस है और स्पीकर्स वगैरह, सीडीज यहाँ 100 की ये दर्शाई जा रही है, 100 की जा रही है. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के माध्यम से पढ़ना. सेकंड, वर्चुअल क्लासरूम. वर्चुअल क्लासरूम में ये इस गाल को, इस लड़की को कीबोर्ड और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हुए पढ़ता दिखाया गया है. ये देखिए, सभी इक्विपमेंट्स, ये इसका क्लासरूम है. बड़े अच्छे ढंग से सज्जित किया गया है. देर आर सो मैनी पैराफर्नेलियाज. ये रोबोट भी है सारे इस साइड में जो दर्शाया गया है. और रोबोटिक टीचर ये आपके सामने इस पिक्चर से आप देख सकते हो.
ये मूविंग ई टेक्स्ट है, यहाँ पे स्पीकर्स, माउस, कीबोर्ड और कंप्यूटर स्क्रीन। सो देखिए कुछ पॉइंट्स हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। इन पेज डिस्कस थ्री थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। इन जोड़ों में तीन बातों को डिस्कस कीजिए जिनको आप बहुत ही काफ़ी अधिक अपने स्कूल के बारे में बेहतर मानते हो, अच्छा समझते हो, और तीन बातें वो आपके स्कूल के बारे में जो आप परिवर्तन करना या जिनमें आप बदलना लाइक करते हो, पसंद करते हो। राइट देम डाउन, उनको लिखिए। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीस्क्रीन, ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी शब्दों को टेलीविजन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ा है? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर? आप क्या आप इमेजिन कर सकते हैं उस समय के बारे में जब पुस्तकें कंप्यूटर पर आ जाएंगी, जैसा कि आज के समय में स्क्रीन के द्वारा जो मैं आपको टेक्स्टुअल कंटेंट दे रहा हूँ, ये भी कुछ उसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल है। ये उदाहरण बहुत कुछ मिलता जुलता है। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, आने वाले भविष्य में इस बुक के अकॉर्डिंग, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, पेपर पे प्रिंटेड कोई भी पुस्तक, कोई भी किताबें नहीं होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप ऐसी पुस्तकों को पसंद करोगे? क्या आपको ऐसी पुस्तकें पसंद आएंगी? सो लेट्स स्टडी द टेक्स्टुअल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द फन, द हैट। देखिए, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने इसके बारे में अपनी किताब में लिखा था उस रात, किताब मीन्स उसकी डायरी। ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 सी रॉट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। देखिए, 17 May 2157 में मुख्य पेज पर उसने लिखा था, उसने मीन्स मार्गी ने, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली थी। यहाँ देखिए बच्चों, फाइंड का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, वहाँ राइट का सेकंड फॉर्म रोट। हमें वर्ब की फॉर्म पर डे ज़रूर से ज़रूर लर्न और रिसाइट करनी चाहिए, और कॉपी में भी आपको ये राइट करनी चाहिए। अगर हम 10 वर्ब की फॉर्म पर डे राइट करते हैं
तो हमारा वर्ब के बारे में अच्छा ज्ञान बढ़ेगा, अच्छी पकड़ बनेगी। जैसे राइट की सेकंड फॉर्म रोट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, राइट रोट रिटन। यहाँ पे फिर टॉमी के बाद लगा है फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, जैसे फाइंड फर्स्ट फॉर्म, फाउंड सेकंड और अगेन फाउंड थर्ड। तो यहाँ राइट का रोट यूज हुआ है और टॉमी के बाद फाइंड का फाउंड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है। तो हम यहाँ पता लगाएंगे ये टेंस कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है सिंपल फॉर्म में। अगर हम सिंपल सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के साथ वर्ब की दूसरी फॉर्म प्रयोग करते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अगर इंटरोगेटिव होता है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट या फाइंड यूज की जाती है। तो टेक्सुअल कंटेंट के साथ साथ हमने ग्रामेटिकल फीचर्स को भी डिस्कस किया है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, मार्गिज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो ये इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटा बच्चा था, छोटा लड़का था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट, उसके दादाजी ने उसे बतलाया था, मतलब दादाजी के दादाजी ने, दैट देर वॉज अ टाइम, एक ऐसा समय होता था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ एक कागज पे प्रिंटेड होती थी, एक कागज पे छपी होती थी। दे टर्न्ड द पेजिज विच वॉ येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज आवफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर स्पॉज्ड टू ऑन अ स्क्रीन यू नो। उन्होंने पेजों को टर्न किया, दे मींस यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, कौन है दे, किन्होंने पेजेज को टर्न किया। जैसे बच्चों देखिए, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेज आएगा तो उसका आंसर देने में हमें आसानी होगी कि हु टर्न द पेजेज। यहाँ पे हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं टॉम एंड मार्गी टर्न द पेजेज, टॉम एंड मार्गी टर्न द पेजेज, उन्होंने, टॉम और मार्गी ने पेजेज को टर्न किया, मतलब पेज पलटे, विच वॉ येलो, क्योंकि पुरानी पुस्तक थी, वो पेजेज कैसे थे, येलो मतलब पीले पड़े हुए थे, पुराने होके। एंड क्रिंकली, क्रिंकली का मीनिंग हमारे सामने ये देखी, विद मैनी फॉल्ट्स और लाइन, पुरानी पुस्तक हो जाती है, उसके कॉर्नर ट्विस्ट हो जाते हैं, उनमें फॉल्ट्स पड़ जाते हैं और लाइनिंग बन जाती हैं, रिंकलिंग आ जाती है, तो उसके लिए शब्द यूज हुआ है कि वो येलो थे पेजेज, वो क्रिंकली थे मींस उनमें फॉल्ट्स पड़े हुए थे, वो मुड़े हुए थे और लाइन्स पड़ी हुई थी। एंड इट वॉज आवफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर
स्पॉज टू, जैसा कि स्पॉज किया गया था वो मूविंग करने की बजाय जिस ढंग से वो मूविंग करते थे वो पेज कैसे थे, उन पे अंकित जो वर्ड्स थे वो अवफुली फनी थे। अवफुली मीन्स बैडली, एक्सट्रीमली, अत्यधिक, बहुत ही फनी प्रतीत होते थे बजाय वो स्टैंड स्टिल के, मीन्स ठहरे होने की बजाय। और ये ऐसा किस पे? ऑन ए स्क्रीन, क्योंकि पुस्तकों के अंदर तो फॉल्ट्स आ जाते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं, लेकिन स्क्रीन पे कुछ डिफरेंट होता है। स्क्रीन पे हमें नीट और क्लीन, आज जैसे पीडीएफ फाइल है या हम जैसे जिस टाइप से प्रेजेंटली रिसेंटली जो स्टडी कर रहे हैं, ये पुस्तकों की अपेक्षा थोड़ा डिफरेंट है स्क्रीन पे, जैसा कि आप जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और फिर जब उन्होंने दे मीन्स मार्की और टॉम ने, उन्होंने वापिस उन पेज को टर्न किया, इससे पहले वो टर्न करते, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, इस पेज के ऊपर एक जैसे ही शब्द थे, वैसे ही शब्द, दैट इट हैड हैड, जैसे कि हुआ करते थे, व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहली बार उन्हें पढ़ा। सेकंड पैरा में देखिए, गी सेड टॉमी, टॉमी कहने लगा कि मींस मार्गी, व्हाट ए वेस्ट, कि देखो वेस्ट किया गया है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रू इट अवे, जब तुम इस पुस्तक को पढ़ती हो, जब इसमें गो थ्रो होती हो, यू जस्ट थ्रो इट, तो तुम इसको ऐसा होता है जैसे कि फेंक दूँ, थ्रू इट अवे, आई गेस, मैं ये मानता हूँ, मेरा अनुमान ये है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी ये टेलीविजन स्क्रीन को देखिए कितनी लाखों सारी पुस्तकें इसके ऊपर रही होगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लंटी मो, और ये प्रचुर मात्रा में और अधिक होने के लिए कितना अच्छा है। आई वुड नॉट थ्रू इट अवे, मैं तो इनको दूर करना या फेंकना नहीं चाहूँगा। यहाँ देखिए मॉडल का प्रयोग हुआ है, वुड विल का पास्ट वुड, सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी कहने लगी ऐसा ही मेरे साथ है, सेम विद माइन, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, वो 11 वर्ष की थी और हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, जितनी टॉमी देख चुका था इतनी सारी पुस्तकें टैली बुक मार्गी ने कभी नहीं देखी थी। ही वॉज 13, ही मींस टॉमी 13 वर्ष का था। यहाँ देखिए टू क्वेश्चंस के आंसर हमारे सामने हैं। ये क्वेश्चन बनता है मार्की कितने साल की थी, सी थर्ड पर्सन प्रोनाउन, मार्गी के लिए सी यूज हुआ है, और मार्गी एक नाउन है, संज्ञा, जब संज्ञा को हम सर्वनाम में बदलते हैं तो सी बनता है, क्योंकि मार्गी नाउन है, नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड
एज द पर्सन प्लेस और थिंग, ये नाउन कहलाता है, संज्ञा सर्वनाम, जो एक संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान आदि का बोध करवाता है, और उसके स्थान पे सी प्रयोग हुआ है, मीन्स सी मार्गी के लिए। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है वो सर्वनाम कहलाता है, सी यहाँ पे सर्वनाम है। तो ये क्वेश्चन बनता है, मार्गी कितने साल की थी, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा सी वॉज 11। ऐसा भी लिख सकते हैं या हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, मार्गी वॉज 11। और फिर अनदर क्वेश्चन बनेगा, टॉम कितने साल का था, यहाँ टॉम का थर्ड पर्सन ही, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही बना है, टॉम वॉज 13, टॉम 13 वर्ष का था। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी सी मार्गी, ये भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन, मार्गी कहने लगी वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये पुस्तक कहाँ मिली थी। देखिए बच्चों, व्हेन वेयर व्हाई, यहाँ पे डब्लू वाले जो वाक्य हैं अलग अलग इंडिकेशन शो करते हैं। वेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वेयर स्टैंड्स फॉर प्लेस, व्हेन स्टैंड्स फॉर टाइम, व्हाई स्टैंड्स फॉर रीजन, क्यों, वेयर कहाँ, व्हेन कब, तो टाइम समय प्लेस स्थान और वाई से रीजन, इनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए स्टैंड करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने देखिए, वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी पूछती है तुम्हें ये पुस्तक कहाँ मिली थी, टॉमी जवाब देता है इन माई हाउस, मेरे घर में मिली थी, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे ही वो इशारा कर गया था, उसने इशारा किया था, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था, इन द एटिक, बता दिया इसने कहाँ मिली थी, इन द एटिक। एटिक के बारे में देखिए बेटे, एटिक और स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, यूज्ड एज अ स्टोर रूम, एटिक एक ऐसा स्थान होता है जो रूफ के नीचे, जो एक स्टोर रूम के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हम हमारे देसी डायलेक्ट में चौबारा बोलते हैं, मेन छत के ऊपर का कमरा। व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में है, मार्गी ने पूछा, टॉमी ने जवाब दिया स्कूल, ये स्कूल के बारे में है। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड टेक्सुअल पार्ट टू पार्ट पार्ट्स ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर द फंदे हैट। आई होप यू विल एंजॉय दिस टेक्सुअल कंटेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टेक्सुअल कंटेंट पसंद आएगा। तो थर्ड पार्ट से हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स टू ऑल।